नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ सविता निर्वाण। चलते हैं गाजियाबाद की ओर, जहां 2.5 करोड़ की सिगरेट लूटने वाले दो शातिर गिरफ्तार। सिगरेट से भरा हुआ ट्रक भी बरामद। साहिबाबाद थाना क्षेत्र स्थित आनंद इंडस्ट्रियल एरिया के गोदाम से पिछले दिनों 2.5 करोड़ की सिगरेट लूटने वाले गिरोह के दो शातिर बदमाशों धर्मेंद्र और जफर को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2.5 करोड़ की लूटी हुई सिगरेट बरामद कर ली है। इस गिरोह के तीन अन्य साथी सलमान, राहुल व सद्दाम अभी फरार हैं। एसपी सिटी अभिषेक वर्मा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस पूरे मामले का पटाक्षेप किया गया है। गिरफ्तार दोनों बदमाश दिल्ली के निवासी हैं। गाजियाबाद से वैभव शर्मा की रिपोर्ट, देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। दिनांक 20/8/20 को साहिबाबाद में आनंद इंडस्ट्रियल एरिया में आने वाली एक गोडाउन जिसका नाम डीएम लॉजिस्टिक्स है, वहाँ कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा घुस करके सिगरेट्स, जो मार्लबोरो कंपनी के सिगरेट हैं, 189 उसके कार्टन वहाँ से उठा लिए गए थे। घटना के समय उन्होंने गोडाउन में घुसकर, जो गार्ड वहाँ पे था उसके कमरे में ताला लगाकर वहाँ से सिगरेट को अपने जो अपने साथ लाए हुए कंटेनर में रखा और उसको ले जा करके वो वहाँ से फरार हो गए। सूचना मिलने पर एएसपी ऑब्लिक सीओ फोर्थ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें सर्विलांस, सीसीटीवी कैमरास और फिजिकल सर्विलांस के थ्रू लोगों का पता लगाया गया। पता रसी सुराग रसी से कुछ लोगों के नाम सामने आए, जिसमें 5 व्यक्ति थे, जिनका दो की हमने गिरफ्तारी कर ली, जिनका नाम वीरेंद्र पाल और जफर है। ये दोनों करावल नगर दिल्ली के रहने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें 3 व्यक्ति और शामिल थे, जिनका नाम सद्दाम, सलमान और राहुल है, जो फिलहाल अभी फरार हैं और इनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। जो बरामद माल है उसमें जो मार्लबोरो कंपनी की ये सिगरेट्स हैं उसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू 2.5 करोड़ से ज़्यादा बताई जा रही है। साथ ही साथ इसमें हमने घटना में प्रयुक्त हुए ट्रक, जिसका नंबर उन्होंने बदल दिया था, उस ट्रक को भी हमने बरामद कर लिया है और सभी जो शेष व्यक्ति हैं उनकी गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी।